तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कुछ ऐसी चीजें जो कि मुझे टीवीएस जुपिटर ZX के अंदर बहुत पसंद आई है। सबसे पहले बात करके चले स्कूटी का लाइट वेट। स्कूटी आपको बहुत ही लाइट वेट देखने को मिलती है, कभी आपको कहीं भी स्कूटी हैवी फील नहीं होने वाली। इसका साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों आप आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे होंडा एक्टिवा का अगर हम मेन स्टैंड की बात करके चले, थोड़ा मेन स्टैंड हैवी एक्टिवा का लगाने में, बट जुपिटर का साइड मेन स्टैंड बहुत ही हल्का लगाने में इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ या बच्चे भी स्कूटी का स्टैंड आराम से लगा सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करना चाहे स्कूटी का राइडिंग पोस्चर बहुत ही आपको कंफर्टेबल देखने को मिलेगा। आपके जो आर्म्स हैं या आपकी बाजू है शोल्डर, उसमें कोई भी आपको पेन नहीं होने वाला स्कूटी पर लंबा भी राइड करते हैं तो। तीसरा, इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल है, काफ़ी इसकी चौड़ी आपको सीट दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। एंड पीछे इस वाली स्कूटी में जुपिटर ZX में आपको बैक रेस्ट भी दे रखा है ताकि पिलियन को पीछे बैठने में कोई दिक्कत ना पड़े। चौथा पॉइंट, इसमें आपको USB चार्जर की कनेक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको उसमें ब्लूटूथ वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जिसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आ जाएगी। तो आपको स्कूटी के जाना है ब्लूटूथ खोल के तो आप आराम से इसमें नेविगेट करते हुए जा सकते हैं। लास्ट पॉइंट की बात कर चले, स्कूटी में आपको फुटबोर्ड का एरिया काफ़ी अच्छा मिलता है जिसमें आप अगर छोटा मोटा सामान भी कैरी करना है वो कर सकते हैं, आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो गाइस यही था TVS Jupiter ZX से कुछ है प्लस पॉइंट्स के बारे में।